ये कौन सा फल है बताने की आवश्यकता नहीं, कितना स्वादिष्ट है ये फल बताने की आवश्यकता ही नहीं। सोचिए कोई ऐसा मनुष्य आता है जिसे पता नहीं कि ये फल कौन सा है, वो देखकर सोचेगा कि ये तो कांटों का गुच्छा लगता है, कहीं फेंक देगा। वही दूसरा व्यक्ति जो समझदार होगा वो देखेगा, सोचेगा कि प्रकृति ने इस पर इतने कांटे दिए हैं, अवश्य ही सुरक्षा हेतु तो दिए होंगे, अर्थात भीतर अवश्य ही कुछ अनमोल होगा। ऐसा ही व्यक्ति इस फल के गर्भ तक पहुंचता है और इस फल का आनंद लेता है। अब ऐसा ही कुछ हमारे संसार में भी देखने को मिलता है। दिन प्रतिदिन हम नए नए व्यक्तियों से मिलते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, प्रथम बार भेंट करने के पश्चात हमें लगता है कि ये तो बड़ा ही क्रोधी व्यक्ति लगता है, बड़ा ही अहंकारी लगता है, उद्दंड लगता है। अधिकतर लोग प्रथम भेंट के पश्चात उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, किंतु जो समझदार व्यक्ति है वो सोचता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, क्या सुरक्षा हेतु इस व्यक्ति ने स्वयं को ऐसा बनाया है ताकि कोई व्यक्ति आके इसका समय व्यर्थ ना करे, इसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, छल ना करे, या अतीत में ऐसी कोई घटना हुई है जिस कारण से आज ये व्यक्ति कुछ इस प्रकार बन गया है। ऐसा ही व्यक्ति उस व्यक्ति के मन तक पहुंच पाता है और वहां से सद्गुणों को निखार कर बाहर लाता है। ऐसा ही व्यक्ति बनी है, तो जिस प्रकार समझदार बनी है तो सामने वाले व्यक्ति के दुर्गुणों के पार जाकर उसके हृदय के भीतर से उसके सद्गुण निकालता है और उस व्यक्ति को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति बनिए जो स्वयं के जीवन को भी सफल बनाता है और दूसरों को भी। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। वाह, पुष्पों की सुगंध बड़ी अच्छी लगती है, बड़े सुंदर होते हैं ये पुष्प। चारों ओर पुष्पों को देख के तो मन आनंदित हो जाता है। अब सोचकर देखिए, मेरे चारों ओर पुष्प नहीं अग्नि है तो क्या होगा, क्या मेरा शरीर नहीं जलेगा? अवश्य जलेगा। क्या मेरे शरीर को अग्नि का ताप नहीं सहना पड़ेगा? अवश्य सहना पड़ेगा, यही प्रकृति का नियम है। अब ये नियम हम सभी जानते हैं, किंतु हम में से अधिकतर लोग इस भ्रम में जीना चाहते हैं कि ये प्रकृति का नियम ये मुझ पर लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हमारे चारों ओर जो ये निसर्ग है उसे हम कितनी हानि पहुंचाते हैं सोचकर देखें। हम वनों को भस्म करते हैं, वायु को दूषित करते हैं, जल को दूषित करते हैं, प्राणियों की हत्या हम करते हैं। क्यों? इस निसर्ग को हम नष्ट करते हैं ये जानते हुए भी कि हम भी इसी निसर्ग का एक भाग है। अब देखिए, शरीर के किसी एक भाग को जला दीजिए, धीरे धीरे समस्त शरीर जल जाएगा। इसी प्रकार निसर्ग यदि नष्ट हो जाएगा तो मनुष्य जाति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए निसर्ग जो आप देख रहे हैं, ये पुष्प, ये वृक्ष, वायु, जल, इन सब की रक्षा कीजिए, नष्ट नहीं। स्मरण रखिए, निसर्ग है तो मनुष्य है, निसर्ग है तो जीवन है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।